अब फेंडुआ टमाटर खट्टा के ऊपर हरी धनिया पत्ती को गार्निश करेंगे। हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द मैजिक हैंड पर आपका स्वागत है। मैं पल्लवी दास आज एक न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ संबलपुरी खट्टा हेंडुआ टमाटर खट्टा। हेंडुआ टमाटर खट्टा बनाने के लिए मैं ली हूँ 5 बड़े साइज टमाटर, 2 चम्मच हिणुआ, नमक, स्लाइस कटे हुए हरी मिर्च, सरसों, हल्दी पाउडर और तेल। हिणुआ को हम ओडिशा में हेंडुआ बोलते हैं, आप इसको क्या बोलते हो कमेंट में ज़रूर बताना। हम ओडिशा वाले हेंडुआ टमाटर खट्टा को बासी पखाल के साथ खाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब लेते हैं एक पैन, गैस ऑन करते हैं, पैन को गर्म होने दें। गर्म हो गया है, अब इसमें डाल देंगे 3 चम्मच तेल, 2 चम्मच, इसको चढ़कने दें। अब इसमें डालेंगे स्लाइस कटे हुए हरी मिर्च, इसको भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे हिणुआ 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालेंगे, ये ज़्यादा खट्टा होता है, और इसको भून लेंगे। हिणुआ हमारा बांस से बनता है। हिणुआ को भूनते टाइम इसमें एक स्मेल आएगा तो हमें पता चल जाएगा ये भून गया है। अब इसमें डालेंगे टमाटर, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, नमक डालने से यह जल्दी पक जाएगा। और थोड़ी सी हल्दी पाउडर, मिक्स करके इसको ढक लेंगे। अब ढक्कन निकाल कर इसमें थोड़ी सी पानी डालेंगे। इसको मिक्स करके पकने दें। अब ढक्कन निकाल के चेक कर लेते हैं हमारा टमाटर पका है कि नहीं। पक गया है, इसको अच्छे से मैश करेंगे। हमारा हेंडुआ टमाटर खट्टा बन के रेडी हो गया है। इसको अब एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हेंडुआ टमाटर खट्टा के ऊपर हरी धनिया पत्ती को गार्निश करेंगे। हमारी हेंडुआ टमाटर खट्टा बनके रेडी हो गई है।
आपको मेरे रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर और मेरे चैनल द मैजिक हैंड को सब्सक्राइब करें। साइड में दिए गए बेल आइकन बटन को क्लिक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं हमारा हैंडवा टमाटर खट्टा कैसे लगा। थैंक यू।